Hello students, myself Bhartendu Tiwari, teaching you mathematics of class 5. In previous lecture, I taught you international system of numeration. मैं आपको बताया था कि जब आपको चार्ट बनाने आ जाएगा इंडियन सिस्टम, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जब आपको ड्रॉ करने आ जाएगा तो उस पर कोई भी क्वेश्चन, नंबर नेम्स हो, पीरियड्स को अलग करना हो, कंपैरिजन करना हो, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे मुख्य चीज है आपके लिए कि दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट का क्लियर कंसेप्शन आपके पास होना चाहिए, वो आप अच्छा से देख के सीख लीजिए। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं या आपके बुक में क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, पुट कोमास बिटवीन पीरियड्स इन द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम एंड राइट देयर नेम्स। आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, 7 डिजिट के, 8 डिजिट का नंबर्स दिया जाएगा और उसमें कहा जाएगा कि आप पीरियड्स को सेपरेट कीजिए कोमास से, कोमा रखना है पीरियड्स के बीच में इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार, और उन नंबर्स का नेम भी आपको लिखना है। तो चलिए, आपको दो ठो नंबर दिया गया है, आपको मैं दिखला देता हूं कि कैसे आप पीरियड्स के बीच में कोमा पुट कीजिएगा और कैसे उसका नंबर नेम्स आसानी से लिख सकते हैं। यहां से आपका सॉल्यूशन है, पहला नंबर है आपका 269। आप जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में सारे पीरियड में 3 प्लेसेज होते हैं, तो 269 3 प्लेसेज हो गए। आप थोड़ा हट के कोमा दीजिए, ज्यादा सटा कर कोमा नहीं देना है, सब कुछ अलग अलग साफ साफ लिखना है। 215 फिर 3 प्लेसेज हो गए, पीरियड्स को अलग कर दीजिए कोमा डाल के। 438 कोमा आपने रख दिया, पीरियड सारे अलग हो गए। अब इसका नेम लिखना है। अब नेम लिखने के लिए आप प्लेसेज को एक बार राइट टू लेफ्ट रीड कीजिए, प्लेसेज को पढ़िए, आपको उसका नेम लिखने आ जाएगा। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन। तो नेम क्या हुआ, 100 मिलियन आया है, तो 269,215,438। तो कैसे नेम लिखेंगे इसका, ए वाले का 269 मिलियन, फिर 215,000 438। तो ये हो गया इसका नंबर नेम भी हो गया। आपको भी एक और नंबर दिया गया है, 794 3 प्लेसेज हो गया, कोमा डालिए। 635 3 प्लेसेज हो गया, कोमा डालिए। 179 3 प्लेसेज हो गया। तो आपने कोमा पुट कर दिया, पीरियड्स अलग हो गए। अब नंबर नेम लिखना है इसका, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन। ये भी 100 मिलियन का है, 794
94 मिलियन 635,000 179। तो इस तरह देखा आपने कि प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से सीख लेने से आप कैसे आसानी से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है आपको, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट देम इनवर्स। आपको तीन ठो नंबर दिए गए हैं, तो उन नंबर्स को कह रहा है कि आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कीजिए, उसको सजाइए और उसको वर्ड्स में भी लिखिए, यानी कि उसका नंबर नेम भी लिखिए। तो आपको सिंपल जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है सिंपल में बना दीजिए, प्लेसेज दिखा दीजिए, उससे पीरियड्स भी दिख जाएगा, प्लेसेज भी दिख जाएगा। एक टेबल मैंने बना दिया, ये जो फर्स्ट उसका बॉक्स है उन यहां पर नंबर्स, उसके बाद सारे प्लेस पीरियड्स को प्लेसेज डाल दिया, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, फिर यहां से मिलियंस टेन मिलियंस हंड्रेड मिलियंस, और जरूरत पड़ेगा अगर बिलियन वाला होगा तो बिलियन भी है। अब आपका फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर ये है, अब इसको आराम से डाल दीजिए यहां पर, वंस वंस वाला डिजिट है एट, यहां पर एट डल गया, टेंस वाला डिजिट है टू, टेंस में डल गया, हंड्रेड वाला डिजिट है सिक्स, यहां पर डल गया, उसके बाद थाउजेंड के जगह पर फोर है, फोर डल गया, टेन थाउजेंड नाइन है, हंड्रेड थाउजेंड सेवन है, मिलियन फाइव है और टेन मिलियन के जगह पर एट है, टेन मिलियन तक है। तो एक ठो नंबर आपका हो गया, एक ठो नंबर अरेंज हो गया। अब दूसरे नंबर में आइए, वंस के जगह पर है सेवन, टेंस के जगह पर है नाइन, हंड्रेड के जगह पर है फोर, थाउजेंड के जगह पर है थ्री, टेन थाउजेंड के जगह पर है नाइन, हंड्रेड थाउजेंड के जगह पर है जीरो, मिलियन के जगह पर सेवन, टेन मिलियन के जगह पर फाइव और हंड्रेड मिलियन के जगह पर नाइन। ये हंड्रेड मिलियन वाला है, तो ये दूसरा भी अरेंज हो गया। अब तीसरा नंबर वैसे ही नाइन फाइव फोर टू वन नाइन एट सिक्स एट, तो तीनों नंबर आपका अरेंज हो गए ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार। अब आपको वर्ड्स में लिखने के लिए कह रहा है, तो वर्ड्स में लिखना मैं इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में वर्ड्स में लिखना आपको ऑलरेडी सिखला चुका हूं, तो आप आराम से इसका यहां पर ए नंबर दे के उसको वर्ड्स में लिख दीजिए। अब जैसे ए नंबर है वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन, तो नेम क्या होगा, टेन मिलियन है तो दोनों डिजिट को लेकर एक साथ 85,794,628 इसका नेम हो जाएगा। सेकंड वाले का वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन, इसका नेम हो जाएगा 957,093,497 और इसका 868,912,459। तो जब आप इसको, ये तो हो गया
हाफ पार्ट बना है, अरेंज हो गया। अब नीचे जब उसका नेम लिख दीजिएगा तब आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इस तरह आराम से प्लेस वैल्यू चार्ट जब सीख जाएंगे आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और जब आप वीडियो देखें तो अपना उसमें जूम करके देखें, दूर से देखने पर हो सकता है आपको थोड़ा सा लाइट दिखे, तो आपको क्लियर देखना है तो उसको जूम करके देखें और अच्छा से सीख के इस पर और क्वेश्चन बनाएं, प्रैक्टिस करें।